वंदे मातरम साथियों, मैं मनीष गुप्ता अंग्रेजी सीखी अर्थपूर्ण ईडीएम्स के साथ के 223वें अंक की कर रहा हूँ शुरुआत। आज मैं जिन दो ईडीएम्स की चर्चा करूंगा वो इस प्रकार हैं। नंबर वन, थ्रू, थिक एंड थिन। नंबर टू, थ्रो मनी अवे। दोस्तों पहले ईडीएम की चर्चा कर लेते हैं, थ्रू, थिक एंड थिन। इस पे नोट कर देता हूँ, THROUGH, थ्रू, THICK, थिक, ANDE, एंड, THIN, थिन। दोस्तों थ्रू, थिक एंड थिन का अर्थ होता है हर परिस्थिति में साथ निभाना, साथ रहना, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कितना भी अच्छा समय हो या बुरा समय हो, कठिन परिस्थिति हो, समस्या आए, चुनौतियां आए, साथ निभाना, साथ रहना। दोस्तों एग्जांपल्स के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा, पहले अंग्रेजी में एग्जांपल दूंगा फिर हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। एग्जांपल नंबर वन, माई सिस्टर ममता जी हैज ऑलवेज बीन विद मी थ्रू थिक एंड थिन एंड आई रेस्पेक्ट हर सो मच। मेरी बहन ममता जी हर परिस्थिति में मेरे साथ रही हैं और मैं उनका बहुत अधिक सम्मान करता हूँ। नंबर टू, माई ब्रदर मनोज जी हैज प्रोमिस्ड टू स्टैंड बाई मी थ्रू थिक एंड थिन। मेरे भाई साहब मनोज जी ने हर अच्छी बुरी परिस्थिति में मेरा साथ निभाने का, साथ खड़े रहने का वचन दिया है। नंबर थ्री, आई विल ऑलवेज सपोर्ट माई वाइफ सुषमा जी थ्रू थिक एंड थिन नो मैटर व्हाट हैपेंस। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, अच्छा समय हो या कठिन परिस्थिति हो, समस्या आए, चुनौतियां आए, मैं अपनी पत्नी सुषमा जी का साथ निभाऊंगा। नंबर फोर, बोथ फ्रेंड्स हैज ऑलवेज स्टेड टुगेदर थ्रू थिक एंड थिन एंड दे विल नेवर लीव इच अदर। दोनों मित्र हमेशा हर परिस्थिति में साथ रहे हैं और वो कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों अब दूसरे ईडीएम की चर्चा कर लेते हैं, थ्रो मनी अवे। इस पे नोट कर देता हूँ, THROW, थ्रो, MONEY, मनी, AWAY, अवे। दोस्तों थ्रो मनी अवे का अर्थ होता है बिना सोचे समझे, लापरवाही से, परिणाम की चिंता किए बिना अंधाधुंध रुपए पैसे खर्च करना। दोस्तों थ्रो मनी अवे के सिनोनिम पर्यायवाची मुहावरे हैं। नंबर वन, थ्रो मनी अराउंड, AROUND, अराउंड। नंबर टू, थ्रो कैश अराउंड। नंबर थ्री, थ्रो अवे मनी। दोस्तों एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा, पहले अंग्रेजी में एग्जाम्पल दूंगा फिर हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। एग्जाम्पल नंबर वन, आई रियली थ्रू मनी अवे व्हेन आई बॉट दिस ओल्ड वॉशिंग मशीन, इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। मैंने वास्तव में यह पुरानी वॉशिंग मशीन खरीद कर अपने रुपए बर्बाद कर दिए हैं, यह ठीक से काम नहीं कर रही है। नंबर टू, माई पेरेंट्स अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी, दे डोंट थ्रो मनी अवे। मेरे माता पिता रुपए पैसों की कीमत समझते हैं, महत्व समझते हैं, वो उसे बिना सोचे समझे खर्च नहीं करते हैं। नंबर थ्री, डोंट थ्रो मनी अवे ऑन अननेसेसरी थिंग्स, स्पेंड इट ऑन योर चाइल्ड्स एजुकेशन। आप अनावश्यक चीजों पर लापरवाही से पैसे खर्च नहीं कीजिए, उसे अपने बच्चे की शिक्षा पर लगाइए। नंबर फोर, इफ यू विल थ्रो अवे मनी लाइक दिस यू विल सून बी ऑन द स्ट्रीट। यदि आप इसी तरह से अंधाधुंध रुपए पैसे खर्च करेंगे तो बहुत जल्दी आप सड़क पर होंगे। दोस्तों आपको आज का कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया मुझे दीजिएगा, मैं प्रतीक्षा करूंगा। अंत में यही कहूंगा, अंग्रेजी यानी कोई भी भाषा सीखे, सीखनी चाहिए, लेकिन यदि नहीं सीख पाते हैं तो कोई शर्म डर झिझक की बात नहीं है, लेकिन अपनी मातृभाषा एवं राजभाषा हिंदी सभी को अवश्य सीखनी ही चाहिए, क्योंकि स्वर्गीय भारतेंदु हरिचंद जी ने अपनी अमर पंक्तियों में कहा है, निज भाषा उन्नति ऐस उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हे को शूल। दोस्तों अगले अंक की प्रतीक्षा कीजिए, अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंद, भारत माता की जय।